जल्द ही भारत में गाड़ियों से जुड़े नए सुरक्षा नियम लागू हो जाएंगे, जिसके चलते अब हाई एंड बाइक्स में ABS जरूरी हो जाएगा। सभी ऑटोमोबाइल कंपनीज अपनी बाइक्स में ABS जोड़ने लगी हैं और बजाज की पल्सर 150 और पल्सर 180 में भी यही फीचर्स आने वाले हैं। आज हम आपको इन दोनों बाइक्स के अपडेट वर्जन के बारे में बताने वाले हैं, पर आगे बढ़ने के पहले प्लीज आप हमारे चैनल NJ हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो मिस ना करें। बात करें नए फीचर्स की, तो अब आपको इन दिनों ही बाइक्स में सिंगल चैनल ABS मिलेगा, लेकिन उसके अलावा दोनों ही बाइक्स में और कोई चेंज नहीं किया गया है। मतलब अगर आप पल्सर 150 ट्विन डिस्क ABS बाइक लेते हैं तो उसमें आपको 149CC का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन मिलेगा, जो कि 14 BHP की पावर और 13.4 न्यूटन मीटर का टार्क उत्पन्न करेगा। पल्सर 180 ट्विन डिस्क ABS की बात करें तो इसमें 180cc का एयर कूल सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि 16.8 BHP की पावर और 14.2 न्यूटन मीटर का टार्क मिल सकता है। दोनों ही बाइक्स में आपको 5 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलता है। इन अपग्रेड्स के चलते बाइक्स की कीमत करीब 7328 रुपीस तक बढ़ चुकी है और अब पल्सर 150 ट्विन डिस्क की कीमत 87226 रुपीस से शुरू होगी। दूसरी तरफ पल्सर 180 ट्विन डिस्क ब्रेक ABS की कीमत होगी 92,563 रुपीस। इन दोनों बाइक्स को बेहतर करने के साथ ही कंपनी ने पल्सर 180F को भी लॉन्च करा है और उसके बाद डोमिनार 2019 को लॉन्च किया जाएगा। अब आप हमें बताइए कि पल्सर के इन ABS वेरिएंट को आप खरीदेंगे कि नहीं, हमें जरूर बताइए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।